मजबूत रहेगा तो हमारा प्रदेश मजबूत रहेगा। और हमारे माननीय नीतीश कुमार जी पुनः 2020 फिर दोबारा बिहार की गद्दी पर बैठाना है। इसी के साथ जय हिंद, जय बिहार, जय नीतीश कुमार, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे अगला वक्ता के रूप में जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन श्रीवास्तव जी, जो कि अभी आरा के बूथ अध्यक्ष भी हैं। सम्मानित अध्यक्ष जी, संचालक महोदय, सम्मानित मंच उपस्थित हैं, मित्रों, चुनाव की बेला प्रारंभ हो चुकी है। यूनाइटेड हम लोगों की जो पार्टी है, संगठन की जवाबदेही अधिक ही बढ़ती हुई प्रतीत नजर आती है, क्योंकि हमारे मुखिया और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने राजनीति के साथ साथ सपना की शुरुआत की है सामाजिक परिवर्तन और हर मन मोर्चे पर एक साथ उन्होंने युद्ध छेड़ रखा है समग्र परिवर्तन, चाहे राजनीतिक हर मोर्चे पर अमूल्य परिवर्तन का उन्होंने जो संकल्प किया है, बिहार को विकसित राज्य बनाने का जो संकल्प किया है, तो निसंदेह और इसी के तहत आरा नगर में आरा विधानसभा में आरा नगर भी आता है, हम लोगों ने तय किया कि जो भी शांति को आजाद होगा कुछ अध्यक्ष बने हुए हैं यहाँ सौभाग्य होगा। और मेरा बूथ सबसे मजबूत, हम बूथ जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे और नेता के संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। सम्मेलन है बूथ अध्यक्ष और बूथ सचिव का, बूथ अध्यक्ष और बूथ सचिव का सम्मेलन, बूथ जीतो और चुनाव जीतो। आरा महानगर में 45 वार्ड है, 45 वो वार्ड में बूथ अध्यक्ष बूथ सचिव बन चुके हैं, वो अपने प्रत्येक बूथ पर 10 व्यक्ति मिलकर संगठन का तैयारी कर ली चुके हैं। वही बूथ अध्यक्ष बूथ सचिव लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं और नीतीश जी का हर एक बूथ पर ये लोग चर्चा करेंगे, 7 निश्चय के बारे में बताएंगे, जो जो सरकार की खूबियाँ है ये बताएंगे, टोला महल्ला गली गुची में जाकर, और हर एक संडे का संडे ये लोग वार्ड में सभा करेंगे। हाँ, जोरों पर है, जोरों पर है। हमारा नाम राकेश रंजन पुतुल हुआ नगर। आज का ये सम्मेलन मुख्य बिंदु मैं बता देना चाहता हूं कि जो बूथ जीतो चुनाव जीतो, आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में हम पुनः से हम अपने सूबे के मुखिया श्री नीतीश कुमार को फिर से वही गद्दी पर बैठाना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग आरा नगर के 4500 बूथ और साथ ही साथ हमारे क्षेत्र आरा विधानसभा के क्षेत्र जितने भी पंचायत में आते हैं सब जगह हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री पुतुल जी ने हर एक जगह संगठन अपना बना लिया है। संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि हर एक बूथ पर 10 हमारे साथी रहेंगे और सभी महिलाओं, माताओं, बहनों को, हर एक व्यक्तियों को हमारे सरकार के सभी योजनाओं के बारे में बताकर उस दिन हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ही हम लोग समाज की सेवा करते रहें, हमारे नीतीश कुमार जी फिर से हमारे सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री बनकर उभरे। साथ ही साथ 19 जनवरी को जो मानव श्रृंखला होने जा रहा है उसमें हर एक गली गुचों में हमारा प्रचार प्रसार चालू है। अभी हमारे जदयू के हर एक कार्यकर्ता एणी चोटी दम करके लगे हुए हैं ताकि उस दिन मानव श्रृंखला को सफल बनाया जाए। साथ ही साथ जन हरियाली अभियान, भ्रूण हत्या, बाल विवाह, ये सारे रोकने के लिए हम लोगों ने एक हमारे पुतुल जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने जो कार्यक्रम चला रहे हैं इससे हम लोगों को काफ़ी संतुष्टि है और आने वाले समय में फिर से हम लोग सर सरकार के गुणगान के कितना धरातल पर कार्य हो रहा है, 7 निश्चय हो, नल जल हो या क्यों? जल जीवन हरियाली कहाँ तक सफल हुआ है और बात किया जाए मानव श्रृंखला की, बिहार में शिक्षा तो नीचे गिरते ही जा रहा है, ऐसे मानव श्रृंखला सिर्फ, हाँ, पत्रकार साहब मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, गाँव पंचायत में भी आपके ही
पार्टी के कार्यकर्ता की गोली मार के हत्या कर दी, शराब विरोध कर। देखिए इस तरीके के घटनाओं पे हमारा पहले से लेकर अभी तक काफ़ी अंकुश लगा हुआ है, और साथ ही साथ अगर जो भी सरकार का नीति में अगर दखलंदाजी करेगा, साथ ही साथ जिस पे जो अगर कानून का उल्लंघन करेगा उस पे हमारी सरकार कभी बख्शेगी नहीं, उनको सजा दिलाकर ही रहेगी। और साथ ही साथ अगर जिस जो हमारे सरकार का आप सफल बनाने की बात करें, मानव श्रृंखला 19 जनवरी को आप देखिएगा, मानव श्रृंखला हमारा सफल है और पूरी तरीके से हमारा सफल है, और सरकार की हर एक योजना हमारे नीचे के स्तर तक जा रहा है, उससे हमारी सूबे के सभी जनता इससे काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं और बहुत ही खुश हैं। हम बस कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो हमारे विपक्ष के, उनको रास नहीं आ रहा है, तो भाई किसी काम को अच्छा से कीजिएगा तो रास तो नहीं आएगा। ठीक है, शशि कुशवाहा।